विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से विषय रखा था, तो खनन के संबंध में कुछ शिकायतें की गई थी। ये ठीक है कि खनन एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत, कोई कमी, चाहे ओवरलोडिंग की, चाहे इलीगल माइनिंग की, ये लगातार हमको मिलती है, लेकिन उसके ऊपर खूब खनन विभाग और हमारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सख्ती भी करती है, चालान भी अवध करती है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वाहनों को इम्पाउंड भी किया है। और इस सारे विषय को जहाँ तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हम लिखना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे, तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते हैं ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल, इन 7 साल हमारे और 7 साल उनके, उनका अगर कंपेयर करते हैं तो FIR की संख्या उनके 7 साल में 871 थी, और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 FIR हुई है, 3 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है उनके, तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है, और केवल सख्ती नहीं बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल भी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है, और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इल्लीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं, और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ठीक है कि कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं भी हुई हैं, उस दुर्घटना में डाडम का जो दुर्घटना हुई उसकी भी चर्चा हुई है, और अभी नू जिले में एक DSP की हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गए, DSP हमारे एक वाहन के नीचे उन्होंने कुचल दिया, उसकी भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है, एक SIT बनाई है, 12 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10 FIR भी हुई हैं, और पूरे उस इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया, सैकड़ों वाहन, चाहे उसमें ट्रैक्टर थे, डंपर थे, क्रेन्स थी, और स्कूटर भी थे, 4-व्हीलर कारें भी थी, तो चाहे यानी कोई इलीगल तरीके से चला रहे थे या बिना नंबर प्लेट के जो वाहन ऐसे मिले उनको सबको पकड़ा गया, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।